सी डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था आज की क्लास में हम हिस्टोग्राम देखेंगे और फिर हम देखेंगे पाई चार्ट ठीक है थोड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है लेकिन इंफॉर्मेटिव भी है क्योंकि इसके अंदर हर चीज ड्रॉ नहीं की जा सकती है ड्रॉ हम लोग और क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे जब हम ब्रिज कोर्सेज जैसा कुछ करेंगे तो जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था नंबर ऑफ ट्रीज अगर जीरो 10 है, तो बच्चों ने उगाया है उनको दो बच्चों ने टेन टू ट्वेंटी फाइव बच्चों ने उगाया है ठीक है है मतलब मतलब नंबर ऑफ ट्रीज इसमें क्या होता लोअर लिमिट लिमिट हम कंसीडर करते हैं हैं रेंज में अपर एक्सक्लूड कर देते मतलब अगर पेड़ किसी ने उगाया है तो वो नेक्स्ट वाले काउंटर पे जाएगा ना कि पहले वाले पे मतलब वो इस वाले काउंटर पे नहीं ऐड होके इस वाले काउंटर पे ऐड होगा नेक्स्ट वाले पे ठीक है सेकेंड वाले पे मैं इसको लेजर से भी बता देता हूँ आपको ये वाला जो काउंटर है इसमें जीरो से टेन में अगर टेन पे कुछ चीज आ रही है तो वो इधर ना काउंट होके इस वाले में काउंट होती है और देख रहे हो आपके टेन से खत्म हुआ था टेन से चालू हुआ ट्वेंटी से खत्म हुआ ट्वेंटी से चालू हुआ थर्टी से खत्म हुआ थर्टी से चालू हुआ मतलब ये कंटिन्यूएशन बना रहा है पूरा का पूरा तो ये कंटिन्यूस इंटरवल है ठीक है तो इस तरह के डेटा को प्लॉट करने के लिए हम यूज करते हैं क्या हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम्स में आपने देखा होगा कि एक्स एक्सिस बायिस सेम है ठीक है नंबर्स ये नंबर वर्सेस नंबर रेंज हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे रेंज होता है और थोड़ा सा स्पेस ये जो खाली छूट जाता है ये कहलाता है किंक ये किंक किस फॉर्म में होता है मैं आपको बता देता हूँ ये ऐसा कुछ दिखता है आपको यहां से ऐसा ऐसा करके बनाते हैं किंक किंक होता है द द डिफरेंस इज बिग जैसे जीरो और फोर्टी का डिफरेंस कंसिडरेबली बिग है तो उसके बीच में अपन किंक बना देते हैं जस्ट टू इंडिकेट कि ये डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा है ठीक है इस तरह से ये चीज चलेगी अब यहाँ पे आपने एक और चीज नोट की होगी कि मैं लेजर पेन को हटा दूं जो ये इंटरवेल्स हैं ये इंटरवेल्स के बीच में ये जो बार्स बने हैं इन बार के बीच में स्पेसिस नहीं है तो इंस्टोग्राम में स्पेसिस नहीं होते हैं क्योंकि कंटिन्यूस इंटरवेल हम डिस्कस कर करें तो कंटिन्यूस इंटरवेल के अंदर स्पेसिस नहीं होते अब एक क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो क्लास एट के अंदर है जिनकी हाइट वन सेंटीमीटर से ऊपर है तो वन सेंटीमीटर से ऊपर मतलब क्या वन हो सकता है वन हो सकता है वन हो सकता है वन फिफ्टी कितना है फोर है ठीक है वन uh, फिफ्टी फाइव कितना है वन फिफ्टी कितना है फोर है क्योंकि आपको यहाँ पे इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेना है, y एक्सिस पे फोर है वन फिफ्टी फाइव इज फोर और वन सिक्सटी इज वन ठीक है मैंने कुछ गलत देख लिया वन फोर्टी फाइव कितना है फाइव ठीक ठीक है, है? तो ये देखिए मैं आपको इधर भी करके बता देता हूं. Five. हो सकता है इतना मेरा ये जो लाइन बनाने का तरीका accurately hit तो ये इतना एक्यूरेटली हिट नहीं हुआ क्योंकि वाई एक्सिस पे ही तो हम प्रोजेक्शन देखेंगे तो वन फोर्टी फाइव भी काउंट करना है एंड अबो वन फिफ्टी 155, 160 और 155 एक ही रेंज पे है ठीक है चलो तो टेन इज आंसर ये मिटाना पड़ेगा अपन को चलो फोर स्टूडेंट हैविंग हाइट बिटवीन वन फिफ्टी टू वन सिक्सटी सेंटीमीटर तो वन फिफ्टी टू वन सिक्सटी सेंटीमीटर में वन फिफ्टी फाइव भी आ गया और वन फिफ्टी टू वन सिक्सटी बोला है तो वन सिक्सटी वाली अपन को एक्सक्लूड करनी है क्योंकि अपर लिमिट है वन फिफ्टी वाले इंक्लूड करेंगे तो वन फिफ्टी में कितना है फोर है फोर हो गया और वन फिफ्टी फाइव में कितना हो गया वन हो गया फाइव हो गया तो पांच स्टूडेंट्स हैं तो ये फॉल्स होना चाहिए ट्रू तो नहीं होगा ठीक है मैं आपको बता देता हूँ प्रोजेक्शन लेके रुकिए देखो वन फिफ्टी में तो मतलब वन फिफ्टी है तो वन फिफ्टी तो यहाँ पे आ रहा है कुछ फोर पे आ रहा है कुछ वन पे आ रहा है मतलब ढंग से तो नहीं बनाइए लेकिन वन बन तक टच होगा ठीक है वन सिक्सटी तो हमें छूना ही नहीं है क्योंकि अपर लिमिट है तो फाइव स्टूडेंट तो वैसे ही हो होगा प्लस वन करके तो फिर ही हुआ लेट सी द डिफरेंस बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम भाई बार ग्राफ ऐसे होते हैं स्पेस्ड होते हैं देखो ये स्पेस है बीच में ठीक है स्पेसिज हैं हिस्टोग्राम में क्या स्पेस दिख रहे हैं आपको नहीं सो हिस्टोग्राम सर स्पेसलेस नो गैप्स राइट क्योंकि हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट डेटा इन रेंजेस अब एक क्वेश्चन है क्वेश्चन पे उन्होंने क्या डेली वेजेस दे दी इक्कीस वर्कर की फैक्ट्री में दिस 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 हमको एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है जैसे थ्री हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड टेन थ्री टेन टू थ्री ट्वेंटी एंड सो वन और फिर उसका हिस्टोग्राम बनाना है हिस्टोग्राम फॉर फ्रीक्वेंसी टेबल्स ऑफ तो देखिए कैसा होता है थ्री हंड्रेड टू थ्री टेन फ्रिक्वेंसी कितनी है टेन क्यों क्योंकि थ्री टेन ही थ्री टेन एड नहीं होगा लेकिन थ्री जीरो सिक्स होगा ठीक है फिर थ्री जीरो फाइव होगा ठीक है फिर थ्री जीरो एट होगा तो ऐसे से तीन ही तो डेटा है इसके अंदर तो थ्री हंड्रेड तो थ्री टेन की डेटा क्या आ गया तीन आ गया देखिए तीन लाइक वाइज दूसरे का भी आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटरवल को हम एक्सक्सेस पे लेंगे फ्रीक्वेंसी को वाई पे लेंगे

डैश गिवस द नंबर ऑफ टाइम्सर एंट्री अकर्स क्या हो सकता है Have I not added D? Okay. D मैंने थोड़ा ब्लिंक किया था तो उस कारण से लेट आया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग ठीक है ये चीज हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था तो ये चीज आपको पता है अब हिस्टोग्राफ में गैप्स नहीं आते हैं और बारोग्राफ में गैप्स आते हैं पाई चार्ट क्या होता है इसको सर्कल चार्ट भी कहते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है Complete है कंप्लीट तो थ्री सिक्सटी डिग्री है ठीक है देता हूं और इधर का कर लेता हूं। अगर ये हाफ पार्ट में डिवाइड है तो क्या वन डिग्री होगा ठीक है अगर मैंने इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड किया तो देखो यहां पे एक और चीज बताता हूँ ये पहले वन डिग्री था ये हाफ में डिवाइड हुआ तो ये नाइनटी तो right? हो गया नाइनटी हो गया लेकिन नीचे वाला तो वन एटी रहेगा दिस विल रिमेन वन एटी ठीक है ये एनालॉजी को समझिएगा राइट नाइनटी नाइनटी वन एटी हो गया मैं नोटेशन को इधर से क्लियर कर देता हूँ नेक्स्ट इज वन सर्किट हंड्रेड सर्कल रिप्रेजेंट करता है हंड्रेड अगर डिवाइड किया तो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट रिप्रेसेंन एटी वन एटी क्योंकि थ्री सिक्सटी का होता था वन एटी वन एटी हो गया ये ऐसा किया तो ये किता हो गया फिफ्टी परसेंट तो रही उसको फर्दर डिवाइड कर दिया तो पच्चीस पच्चीस पार्ट परसेंट हो गया हाफ को दो पार्ट में और डिवाइड कर दिया तो पच्चीस पच्चीस ही हो गया ना पचास परसेंट तो पहली था एक कंप्लीट सर्कल को हंड्रेड परसेंट बोला गया और उसी को थ्री सिक्सटी डिग्री बोला गया है हाफ सर्कल को फिफ्टी परसेंट बोला गया और उसी को वन एटी बोला गया है और नाइन्टी को ट्वेंटी फाइव परसेंट बोला गया और उसी को और हाफ का हाफ बोला गया है कंसिडर्ड दिस सर्कल विच इज डिवाइडेड इन टू सिक्स इक्वल पार्ट्स ठीक है अब इनके बीच में एंगल बिटवीन ईच पार्ट इज बॉडी देखो पूरा तो थ्री सिक्सटी हो गया इसको ठीठा मान लो ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं छ है ठीक है और पूरा कितना है थ्री सिक्सटी है और पूरे सारे ठीठा बराबर है एंगल जो है ये वाले ये ठीठा है इसको एनोटेट करो थीटा मतलब थीटा मत मानो आप मानो आप क्योंकि थीटा अभी आप इस पे हो नहीं। क्योंकि सारे एंगल्स बराबर मान पे है ना इसलिए है? तो जब बराबर है तो टोटल तो थ्री सिक्सटी होता है कितना चलिए ठीक है रियल लाइफ एग्जाम्पल एक, एक वुमेन की सैलरी है सिक्सटी थाउजेंड एन मंथ तो टोटल सैलरी है मतलब हंड्रेड परसेंट है उसकी उसका वो क्या करती है कि हाफ पार्ट जो है वो सेव करती है और हाफ को एक्सपेंस में यूज करती है ठीक है सिक्सटी थाउजेंड का हाफ इस थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड सेविंग के अंदर चला गया थर्टी थाउजेंड ही आपका इसमें चला गया ठीक है एक्सपेंस के अंदर एक्सपेंस के उसने तीन पार्ट बना रखे एजुकेशन हाउस होल्ड और ट्रेवल ठीक है इस तरह से उसका कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा एजुकेशन एक्सपेंस के भी ये बना दिए उसने तो इसमें भी एक तिहाई अगर थर्टी थाउजेंड का करेंगे तो टेन थाउजेंड रुपीज ईच आ जाएगा अब इसमें एंगल क्या होगा कि थाउजेंड और तीन इक्वल पार्ट्स हैं डिवाइडेड बाय पार्ट three, three thousand, मतलब एक पार्ट लिया आपने डिवाइडेड बाई टोटल इनकम कितनी है थर्टी जो एक्सपेंस में जा रहा है वो है इंटू वन किया आपने क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है वन है तो ये सिक्सटी डिग्री ईच आ गए ठीक है एंगल तो इट इज वेरी इजी टू हैव हैव अ कंपैरिजन अगर कोई वेजिटेबल पे चौथा पार्ट होता तो वेजिटेबल कैसे निकालते हैं हम लोग मान लो, मा लो कि वेजिटेबल ने बारह डिग्री माना है तो हम कैसे मनी स्पेंड कैसे निकालते तो बारह डिग्री बाय साठ डिग्री क्योंकि कंप्लीट जो है वो तो सिक्सटी डिग्री का आया है एक तो उसका बारह मतलब बारह डिग्री वाला पार्ट साठ से और इन टू उस पर टेन थाउजेंड का एक कैप लगा हुआ है तो टोटल कितना आ जाता टू तो थाउजेंड रुपीज आ जाता तो बस ये एक तरह का आंसर होता है ठीक है बहुत इजी है इसको गो थ्रू करना लेकिन आप क्या है इस चीज इस को एनोलॉजिकली अगर सोचेंगे तो सारी चीजें सेट होती हुई दिखती हैं तो दैट इज इट पीपल थैंक यू सो मच फॉर एवेल्यूबल टाइम बाय टेक केयर स्टे सेफ